दोस्तों सोनाली जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वे किसी मीटिंग को लेने के लिए जल्दबाजी में अपनी कार से कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। अब जैसे ही उसकी कार पंचर होती है तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद डिग्गी खोलता है स्टपनी चेंज करने के लिए। लेकिन गाड़ी की डिग्गी में स्टपनी थी ही नहीं। अब उसके बाद ड्राइवर जाकर सोनाली को बताता है तो सोनाली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वे जा रही थी वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और जल्द से जल्द उसे वहां पर पहुंचना था। इसलिए अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्दी से जाओ और इस गाड़ी में पंचर बनवा कर लाओ, वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तभी वे ड्राइवर कहता है कि मैडम यहाँ तो आसपास में कोई भी दुकान नहीं है जिस पर जाकर मैं इस गाड़ी का पंचर बनवा सकता हूँ। तो उसके बाद सोनाली कहती है तुम ऐसा करो इस टायर को खोलकर ले जाओ और किसी सवारी से बैठकर चले जाओ और इसमें जल्द से जल्द पंचर बनवाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है और वे उसी जगह पर जहां पर गाड़ी पंचर हुई है वहां पर आकर पंचर बना देता है। तो इसके बाद सोनाली कहती है कि वे कैसे, तो वो बताता है कि उसने अपना पंचर का पूरा सामान बाइक के ऊपर सेट कर रखा है और जहां पर भी किसी की कोई गाड़ी ट्रक वगैरह पंचर होते हैं तो वहां पर जाकर वहां उनकी गाड़ी और ट्रक के पंचर बना दिया करता है। इसके बाद सोनाली कहती है तो जल्द से जल्द उसे फोन करो, बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ड्राइवर उस पंचर वाले के पास फोन करता है, वे पंचर वाला वहां पर आ जाता है जिसने अपनी एक बाइक पर ही कंप्रेसर और पंचर का सामान रखा था। वे बाइक को आकर गाड़ी के पीछे लगा देता है और पीछे की तरफ से ही वे आया था। अब गाड़ी का पिछला वाला पहिया पंचर था तो उसके बाद वे गाड़ी का पंचर बनाने लगता है। इधर जो सोनाली कार के अंदर बैठी हुई थी वो जैसे ही उसकी निगाह साइड वाले शीशे पर जाती है और उसे पंचर वाले का चेहरा दिखता है तो वे एकदम से रोने लगती है, फूट फूट कर रो रही थी और रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। वे अब पंचर वाला जाकर डिग्गी खोलता है चेक लेने के लिए और जैसे ही वे डिग्गी खोलने के लिए गाड़ी के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि इस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी हुई है वो तो सोनाली है और सोनाली को देखकर वे हक्का बक्का सा रह जाता है। लेकिन वे डिग्गी खोलता है और डिग्गी खोलने के बाद उसमें से सामान निकालता है और उस टायर का पंचर बना देता है। अब जैसे ही उसका पंचर बन गया था तो उसके बाद जो ड्राइवर है वे पूछता है कि बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए, तो वो मना कर देता है, कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैडम से कह दीजिए अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो हमारी मदद कर देना, इतना ही काफी है, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हो, आप लोगों से हमें पैसे नहीं ले सकते। लेकिन जो सोनाली है वे गाड़ी से बाहर निकलती है, उसके हाथ में एक लिफाफा था, उस लिफाफे को वे ड्राइवर को देती है और कहती है कि इसे दे दो और उससे कहना कि अगर फिर भी तुम्हें जरूरत पड़े तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद वे पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो सोनाली थी उसका मन काफी ज्यादा उदास था, वे गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। दोस्तों आखिर कौन थे ये लोग, क्या थी इनकी कहानी, पूरी कहानी की सच्चाई आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक विनम्रता के साथ निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। गढ़वाल के उत्तरकाशी में एक छोटा सा गाँव पड़ता है, वहाँ पर एक लड़का रहा करता जिसका नाम गौरव है। गौरव के परिवार में उसके माता पिता, एक छोटी बहन है और वे लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था, तभी एक दिन उनकी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और शादी के अंदर उन्हीं सभी लोगों को जाना था। वे लोग तैयार होते हैं और शाम को शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सभी लोग एक दूसरे के साथ हंस हंसकर खिलकाकर बतिया रहे हैं। वहीं पर गौरव भी होता है और गौरव शादी के अंदर एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही वे पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम था सोनाली। सोनाली भी जैसे ही गौरव को देखती है, वे उसे देख रहा है तो सोनाली भी गौरव को पहली ही नजर में देख कर पसंद कर लेती है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखते हैं। शादी का माहौल चला हुआ था, तभी जैसे ही गौरव प्लेट लेकर खाने के लिए एक टेबल पर बैठता है तो सोनाली भी अपनी प्लेट में खाना सजाकर उसी टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच में बातें होती हैं, एक दूसरे को अपना अपना नाम बताया जाता है, दोनों के परिवार वालों के बारे में बात की जाती है तो गौरव को पता चलता है कि जो ये लड़की है ये उनके किसी दूर की रिश्तेदारी में से है, यानी कि रिश्तेदारी ऐसी थी कि अगर वे लोग चाहें तो दोनों एक दूसरे से शादी हो सकती थी। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज हो जाता है, शादी खत्म होती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब गौरव और सोनाली एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते हैं। अब बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है जो सोनाली है वो काफी अमीर परिवार की लड़की है,
इधर जो गौरव था वे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उनके पास ज्यादा रुपया पैसा तो नहीं था, लेकिन उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहती हैं और बातों ही बातों में वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था तो एक दिन सोनाली फोन पर गौरव से कहती है कि गौरव क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो उसके बाद गौरव कहता है कि तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब आदमी हैं, क्या हमारे घर वाले हमारी शादी की अनुमति देंगे? अब इस बात को सुनकर सोनाली भी एग्री करती है, कहती है कि हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे कि मैं तुमसे शादी करूं। क्योंकि दोनों का रिश्तेदारी का कांटेक्ट था तो दोनों को पता था कि जो सोनाली है वे काफ़ी पैसे वाली है और गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो अब इसके बाद गौरव एक फैसला करता है, वो कहता है कि क्यों ना हम भागकर शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर जो सोनाली है वे भी उनकी बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उनकी जैसे ही ये बात उनके घर वालों को पता लगती है तो उनके घर वाले पहले तो बहुत गुस्सा करते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी बात ज़्यादा फैली नहीं है तो दोनों की रजामंदी से शादी कर देते हैं और बात यहीं पर संभल जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों के घर वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। यानी कि उन दोनों का प्यार हुआ था, उसके बाद लव मैरिज की थी, फिर अब उनकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी। अब शादी होने के बाद गौरव और सोनाली एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं और जो सोनाली थी वो पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। वे गौरव से कहती है कि गौरव मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई को टाइम दोगी तो घर की गृहस्थी को कैसे संभालोगी? इसके बाद सोनाली कहती है कि ये सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगी, मैं पढ़ाई करके कुछ बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव भी इस बात में उसकी सहमति जताता है और सोनाली वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। इधर जो गौरव के घर वाले थे वे भी उसकी पढ़ाई को ज्यादा रोक टोक नहीं किया करते, वे भी अपनी बहू को पढ़ने के लिए समय दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सोनाली है उसको गौरव में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगती हैं, उसके घर में बहुत सी कमियां दिखाई देने लगती हैं, गौरव के अंदर बहुत सी कमियां दिखाई देने लगती हैं। तो इस बात को लेकर वे एक दिन अपनी माँ के पास फोन करती है। इधर उसकी माँ जैसे ही उसकी बातें सुनती है तो उसे उल्टा सीधा सिखाने लगती है। उल्टा सीधा जैसे ही उसको सिखाया जाता है तो सोनाली गौरव से लड़ाई करने लगती है। अब जैसे ही सोनाली गौरव से लड़ाई करती है तो उसके बीच में उसकी सास भी अब रोल निभाती है और कहती है कि बेटी अगर तू पैसे वाले घर की बेटी है तो हमने तुमसे थोड़ी ना कहा था कि तू हमारे बच्चे से शादी कर ले, तुम पहले ही शादी से मना कर देती। अब तो शादी तुम्हारी हो गई है, अब तुम घर में कमी निकालो या इस लड़के में कमी निकालो इसका कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतते बीतते उनकी शादी को 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद उनकी लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई होती है। उस लड़ाई को लेकर जो सोनाली है वे अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वे वहां से तलाक का केस फाइल कर देती है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सोनाली अपने घर पर है और इधर गौरव वे अपने घर पर है। अब सोनाली पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही थी, धीरे धीरे वो पढ़ाई करती है और पढ़ाई करके बाद वे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। इधर जो गौरव है जैसे ही सोनाली से उसका तलाक हुआ था तो उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक नहीं रहने लगा। धीरे धीरे करके एक एक उन पर मुसीबतें आने लगी और मुसीबतों के चलते उनकी जो भी कुछ जमीन थी जिस पर वे खेती किया करते थे वे सारी बिक जाती है। अब जमीन बिक गई थी, घर का गुजारा करने के लिए गौरव को कोई ना कोई काम करना था और काम की तलाश में वे इधर उधर घूमता फिरता है। तभी एक दोस्त था जो पंचर की दुकान चलाया करता था तो वे उसके पास बैठा हुआ था। वे उसे अपनी सारी बात बताता है और कहता है कि यार घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे एक आइडिया देता है, कहता है कि तू भी क्यों ना पंचर की दुकान खोल ले, इसमें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। तो ये आइडिया गौरव को अच्छा लगता है, लेकिन इस आइडिया पर वे अलग तरह से काम करता है। वे सोचता है कि इस तरह से तो दुकान खोलकर काफी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा हो कि मैं इन सभी सामान को लेकर सभी के पास जाकर उनका पंचर बना दिया करूं। क्योंकि गौरव पढ़ा लिखा था, अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके वे इस आइडिया पर काम किया करता है। वे अपने दोस्त के साथ मिलकर पंचर लगाने के लिए जो भी जरूरी सामान था उन सभी सामानों को एक बाइक पर फिट कर लेता है और फिट करने के बाद उस बाइक के पीछे अपना नंबर भी लिखवा देता है कि किसी को भी अगर पंचर लगवाना हो तो वहीं पर अगर हम लगा देते हैं।
इसके बाद जिसकी भी गाड़ी पंचर हुआ करती, जहां पर भी, वहीं से गौरव के पास फोन कर देता और उसे वहां पर बुलाकर अपनी गाड़ी में, अपने ट्रक में पंचर लगवा लिया करता। इसी तरह से गौरव का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन गौरव के पास एक फोन आता है और उसे एक लोकेशन दी जाती है, जो लोकेशन उससे 10 मिनट की दूरी पर थी। तो उसके बाद गौरव उसी लोकेशन पर जाता है पंचर लगाने के लिए। वहां पर जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है जो कि पंचर हो चुकी है। उसके पंचर लगाने के लिए उसे बुलाया गया है। वहां जाने के बाद वह टायर को देखता है और टायर को देखने के बाद जैसे ही वह डिक्की खोलता है जैक निकालने के लिए, तो गाड़ी के अंदर जैसे ही देखता है तो गाड़ी के अंदर सोनाली बैठी हुई थी। सोनाली की तरफ देखकर वे थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद डिक्की को खोलकर उस गाड़ी में पंचर लगाने लगता है। गाड़ी का पंचर लग जाता है और पंचर लगने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि कितने पैसे हो गए, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इनसे कह देना ये बड़े आदमी है, कभी हमें जरूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगे। अब इस बात को सुनकर सोनाली जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वे बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिखा था। उस लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें दे दीजिए और इनसे कहिए कभी भी इन्हें जरूरत पड़े तो इस पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है और ये कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। इसके बाद गौरव उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय वो अपने कमरे में आराम करने के लिए जाता है। तभी वे उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर 5,000 रुपये थे और बाहर सोनाली का नंबर लिखा हुआ था। अब रात का समय था तो गौरव सोचता है कि क्यों ना फोन कर लिया जाए। तो इसके बाद वे अपने फोन से सोनाली को फोन करता है और उसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती हैं। पहले तो वो दोनों एक दूसरे का हालचाल जानते हैं और उसके बाद सोनाली पूछती है कि गौरव ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ये काम करना पड़ा। गौरव कहता है कि अगर इसके बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा, ये बात फोन पर नहीं हुआ करती। इसके बाद गौरव सोनाली से सोनाली के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हाँ, मैं पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया है जिस बारे में अक्सर मैं तुमसे कहा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके उनकी 1-2 घंटे बातें होती हैं और 1-2 घंटे बातें होने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह गौरव के पास सोनाली का फोन आता है और कहती है कि हाँ, तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे ना, तो बताओ किस दिन मिलोगे, मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस तरह से पंचर लगाने पड़े। इसके बाद गौरव कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है। तो सोनाली कहती है कि मैं फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैं ऐसे यहाँ से नहीं निकल सकती, अगर मैं ऐसे ही आ गई तुम्हारे पास तो दुनिया वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे और मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं होगा। वह कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम मुझे ही लेने के लिए आ जाओ, मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूंगी और जहां पर भी जाना है वहां जाकर हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। उसके बाद गौरव कहता है कि ठीक है सोनाली, मैं आ रहा हूं। और सोनाली उसे एक जगह बताती है, वहां पर मिल जाना, वहां पर मैं अपने आप आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊंगी। गौरव जाकर वहां पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद सोनाली अच्छी तरह से चेहरे को छुपाकर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे सोनाली उसकी बाइक पर बैठती है तो उसे लेकर एक पार्क के अंदर चला जाता है। वहां बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो सोनाली कहती है कि हाँ गौरव, अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ पर पंचर बनाने लगे। तो गौरव बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया था, घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जो कुछ भी जमीन थी वह सारी बिक गई, उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति से काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो काम किया जाए, और इस काम को मैंने अपने दोस्त की मदद से स्टार्ट किया था और अच्छा खासा ये काम चल रहा है, अब मेरे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। तभी जो गौरव है वो सोनाली की तरफ गौर से देखता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली। तो सोनाली कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। तो वो कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, तो ये फिर किसके नाम का है। तो सोनाली कहती है कि ये तो हमारे ही नाम का है, हमारा तलाक जरूर हुआ था लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति मानती हूँ। अब इस बात को सुनकर गौरव भी थोड़ा भावुक हो जाता है और सोनाली से कहता है कि सोनाली ऐसा क्यों किया तुमने। तो इसके बाद सोनाली इस बात को सुनकर वे भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि गौरव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी माँ की सिखाई बातों में आ गई थी और उसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था। अब इसके बाद गौरव कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो, अब तुम्हारा और हमारा मुकाबला ही क्या है, मैं एक मामूली सा पंचर बनाने वाला हूँ और तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो तुम अब
मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना बेशक बंद कर दो, हमारे तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग हैं। अब इस बात को सुनकर सोनाली थोड़ी सी मायूस और उदास हो जाती हैं, क्योंकि उसे इसकी बातों से लग रहा था कि गौरव ने जैसे दूसरी शादी कर ली हो। लेकिन तभी वे अचानक से गौरव से पूछ बैठती है और कहती कि गौरव क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो उसके बाद गौरव कहता है कि नहीं सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसा ही रहा करता हूँ और मुझे दूसरी शादी करने का कभी मन ही नहीं किया। घर वालों ने कई बार कहा था कि बेटा दूसरी शादी कर ले, जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी जिंदगी में एक बार होती है और उसके बाद मैं शादी नहीं करूँगा। अब इस बात को जैसे ही सोनाली सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और फिर कुछ अलग ही चीज़ें सोचने लगती है। वह गौरव से कहती है कि गौरव चलो मुझे कुछ काम है और वहाँ पर हम लोग जाएंगे। ऐसा कहकर वे गौरव के साथ बैठती है और गौरव से कहती है कि पास में ही एक मंदिर है और मुझे मंदिर में कुछ काम है, वहाँ पर चलते हैं। तो गौरव उस मंदिर में ले जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद वहाँ पर गौरव से दोबारा से शादी कर लेती है। कहती है कि गौरव जो भी मेरी गलतियाँ हुई हैं उनको माफ़ करो और इससे आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करेंगे। अब इस बात को सुनकर गौरव भी राजी हो जाता है, क्योंकि वे भी नहीं चाहता था कि जिससे उसने इतना प्यार किया वे उससे अलग रहे, क्योंकि जितने दिन वे उससे अलग रहा था हर रात वह सोनाली के बारे में ही सोचा करता था। दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सोनाली गौरव को अपना ड्राइवर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है, मेरे साथ ही तुम्हें रहना होगा। अब सोनाली जैसे ही अपनी ससुराल आती है गौरव के साथ, तो सोनाली के साथ सोनाली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और जैसे ही वो सुनती है कि सोनाली अब डीएम बन चुकी है तो वो बड़ी ही खुश होती हैं। वो कहती हैं कि बेटी ये तो बड़ा अच्छा हुआ और तूने अच्छा किया जो दोबारा से शादी कर ली, वरना ये तो किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद वे सभी लोग घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी गौरव और सोनाली की, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ अलग हुए, अलग होने के बाद फिर से मिले। आप इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सकें।